हेलो अरे हाँ, कल पिछले दिन हमने आपको संधि संबंध प्रकरण में संधि की परिभाषा, संधि के भेद एवं स्वर संधि के पांचों भेद तथा व्यंजन संधि के कुछ नियमों पर चर्चा की थी। आज मैं उसी संदर्भ में विसर्ग संधि जो मैंने बताया था, संधि के तीन भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग संधि बचा हुआ है जिसका चर्चा आज मैं कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैं बताया था आपको विसर्ग संधि, वह संधि जो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस संबंध में इसके लिए भी कुछ नियम हैं। वैसे जिस तरह से स्वर संधि के आपने पांच भेद जाना, दीर्घगुण, विधियन और आयाधि, वैसी बातें नहीं है। इसमें भी कुछ है, तत्व हैं, तथ्य यानी इसके भी, जिस तरह से व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि की तरह इसके भी कुछ नियम हैं, जिस नियम का वर्णन मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है, कनी हम राशि देव विसर्ग संधि के बाद इसके पहला नियम ध्यान रखें। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने के विसर्ग संधि में ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग संधि के पहले ओ हो और अविसर्ग का मेल हो तो किसी भी वर्ग का तीसरे और चौथे पांचवें वर्ग अथवा य और लव से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। नहीं समझाऊंगा। कहता है यदि विसर्ग के पहले, ध्यान देंगे, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के